हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्रेष्ठास ब्यूटी पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल श्रेष्ठास ब्यूटी पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज जो है वो उनको डील करेगा और उनको वो टैकल करेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप स्किन की ऑयली स्किन के पिंपल्स से परेशान हैं, उसके दाग धब्बों से परेशान हैं, या फिर आपकी स्किन पर स्पॉट्स हो गए हैं, या फिर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं, काले घेरे हैं, आपकी स्किन कटी फटी है, या फिर आपकी स्किन में चमक नहीं है, या फिर आपकी स्किन जो आप बोलते हैं कि फेस या फिर माउथ के आसपास अराउंड में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उन सारे के सारे कंसर्न को ये क्रीम आज की डील करेगी। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है आपका कंपनी उर्विजा। उर्विजा का ब्रांड है ये दोस्तों, और ये जो है ये हमारी इंडियन कंपनी है। मींस ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है, भारत में ही बना हुआ है। और जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं वो आपके हैंड मैन्युफैक्चर है। मींस जब ये क्रीम बनती है तो ये आपके मैरीगोल्ड बटर, यानी जो उर्विजा की क्रीम है ये आपका मैरीगोल्ड बटर है। तो जो भी आपका ये प्रोडक्ट बनता है, जब ये क्रीम बनती है, तो आपके जो मैरीगोल्ड के फ्लावर होते हैं, यानी गेंदे के जो फूल होते हैं, उनको डायरेक्टली ये प्लग करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उसके बाद फिर उसको ये अपने हाथों से आपकी क्रीम रेडी होती है। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तब आपके लिए फ्रेश प्रोडक्ट रेडी होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो दोस्तों, जो इसकी पैकेजिंग है वो आप देख सकते हैं, थोड़ी सी प्लास्टिक की हार्ड पैकेजिंग है और थोड़ी सी आपकी सटल पैकेजिंग है। हर बार मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि दोस्तों, अगर प्लास्टिक की पैकेजिंग है तो आपका प्रोडक्ट टूटेगा नहीं या फिर आपका प्रोडक्ट लीक नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा सरप्राइज़ ये है कि आपका प्रोडक्ट टूटेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ से लीक जरूर करेगा, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट आता है वो थोड़ा सा रनी प्रोडक्ट आता है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम की दिखा देती हूँ। मैंने ये पूरा फिनिश किया हुआ है और आप देख सकते हैं क्रीम की जो है कंसिस्टेंसी अभी ये ख़त्म है, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि बटर है ये। और जैसे अभी समर्स चल रहे हैं तो समर्स में ये थोड़ा सा पिघल जाता है। तो अगर आप इस बटर को अपने पर्स में कैरी करेंगे, मीन्स आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से स्प्रेड हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट लीक करेगा। तो दोस्तों, जो बात मैं बोलती हूँ, हर बार वादा करती हूँ कि लीक नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये लीक करेगा। तो कोशिश करें कि आप इसे नाइट में या फिर घर में ही रखें, आप इसे पर्स में नहीं रखें, वरना ये चीज़ें खराब हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स की, कि इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है मेन मैजिकल इंग्रेडिएंट्स कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, कैस्टर ऑयल, फ्लोरल वैक्स, मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, यानी जो हमारे गेंदे के फूल होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट, और मैरीगोल्ड एसेंशियल ऑयल, जो हमारा मैरीगोल्ड एसेंशियल ऑयल है, गेंदे के फूल का ऑयल एसेंशियल ऑयल वो, एंड द लास्ट वन इज सैंडलवुड ऑयल, यानी चंदन का तेल, जो कि आपको भी पता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को सूद करता है, ठंडक देता है, और वाइटामिन ई जो हमारी स्किन को नरिश करता है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि इस क्रीम में कोई भी पेट्रोलियम या फिर सिंथेटिक कलर कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% सच है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी बेनिफिट्स की, कि ये क्रीम बेनिफिट्स क्या करती है। तो इन्होंने जो बेनिफिट्स बताया है वो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ, चाहे तो आप इसको पूरा रीड भी कर लीजिएगा। इन्होंने ये बताया है कि अगर आप इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, और आपकी स्किन जो है वो सिल्की, और आपकी स्किन में इलास्टिसिटी आ जाएगी, और ये हर स्किन टाइप के लिए मतलब सूटेबल है। तो दोस्तों, जो इन्होंने बात कही है कि ये ऐसे आपकी जो स्किन है उसको ये बेबी सॉफ्ट करेगी और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल करेगी, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल 100% सच है। अब बात कर लेते हैं फाइनली मेरे रिव्यू की, कि मेरा इस क्रीम के साथ कैसा रिलेशन, मुझे ये क्रीम कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा। तो दोस्तों, मेरा इस क्रीम के साथ, इस जो प्रोडक्ट है इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इसकी जो स्मेल है मैं वो बता देती हूँ, जब मैंने कंसिस्टेंसी आपको दिखा दी, इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी
मतलब आप जैसे लगाओगे तो थोड़ी सी खुशबू वाली होती है, इसमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको लगाओगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सा स्मेल आएगा, आप बोलोगे कि पता नहीं फेस पे क्या लगा लिया, अच्छी खुशबू नहीं आ रही। लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। मेरी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स थे, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में और भी क्रीम्स बताया, जैसे मैंने वेल्स की आपको नाइट क्रीम के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों आप अगर आप पॉसिबल हो तो आप क्रीम स्विच करते रहे, इससे आपकी क्रीम जो इससे जो आपकी स्किन है वो एक प्रोडक्ट की आदी नहीं रहेगी, तो आप स्विच करते रहे। इसलिए मैं स्विचिंग करते रहती हूँ कि हाँ कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जो ऑयली स्किन वालों को, पिंपल वाली स्किन जो है उनको वो सूट आ जाए और उसकी स्किन को वो आपको ब्राइटन कर दे। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं रात को यूज़ करती हूँ, दिन में मैं यूज़ नहीं करती। रात को जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद मैं इस क्रीम को इतना सा क्वांटिटी अपने पूरे फेस पर लगा के उसको अच्छे से मसाज कर देती हूँ। और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट, चमकदार, नरिशमेंट से भरपूर रहेगी। और अगर आपको इस क्रीम का ज़्यादा इफेक्ट देखना है तो आप इसे सुबह और रात दोनों समय लगा सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था तो सभी दुकानें बंद थी, तो मैंने जो डे क्रीम थी तो वो मैं नहीं ले पाई। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो क्रीम तो रखी हुई है, मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह और रात दोनों समय पर यूज़ किया। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी स्किन मतलब जो इस प्रोडक्ट ने 2 महीने में नहीं किया, शायद वो 2 बार लगाया सुबह और शाम को, उससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि 1 महीने के अंदर ही मेरी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन था और जो टोन था उसमें सडनली इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि मुझे भी एकदम से मतलब मुझे भी थोड़ा सा हजम करने में दिक्कत हुई। फिर मैंने देखा कि शायद मैंने इस क्रीम को रात को लगा दी थी तो मेरी ऑयली स्किन था, मैं थोड़ा सा लगा दी थी, मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। बट तब फाइनल रिव्यू मुझे पता चला कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो बोलता है वो ये प्रोडक्ट ये काम अच्छे से करता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ बहुत अच्छा रहा। अब एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना भूल गई खुशी खुशी के चक्कर में कि क्रीम मुझे क्रीम बहुत अच्छी लगी, मैं आपको प्राइस बताना भूल गया उसके लिए सॉरी। तो जो इस क्रीम का प्राइस है वो आपका 380 रुपीज़ है, और जो इसकी आपको प्रोडक्ट है शेल्फ लाइफ है, आपका जो प्रोडक्ट है वो 2019 में बना था और आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स के आसपास आपको मिल जाएगी। तो 380 का आपका प्रोडक्ट है, और जब आप डिस्काउंट लेंगे तो डिस्काउंट के बाद मैंने ये 30% डिस्काउंट पे ली थी क्रीम, तो मुझे 230 रुपये की क्रीम पड़ी थी। तो जब भी डिस्काउंट हो आप इस क्रीम को, जब भी आपको डिस्काउंट दिखाई दे इस क्रीम पे, तो आप इसको छोड़े नहीं। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे खुद से कमेंट करके बोलोगे, और जब आप इस क्रीम को यूज़ कर लेना आप मुझे थैंक यू भी तभी बोलना कि मैंने आपको को बहुत अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट किया, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू मैरीगोल्ड बटर के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये हेल्प पहुँच पाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ऑयली स्किन की केयर कैसे करनी है और पिंपल से कैसे छुटकारा पाना है और अपनी स्किन को ग्लोइंग कैसे रखना है आजकल पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं, उनको नहीं समझ में आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें। तो उसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी थोड़ा सा इसका अच्छे से यूज़ कर सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी स्किन का ख्याल रखिए।